बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। क्या हाल है? और देख सकते हो भाई, मैं एक नया लोकेशन पे जा रहा हूँ और भाई मुझे लगा था कि इधर कोई नहीं आएगा और इसलिए मैं इधर जाता हूँ। और क्या ही भाई, बंदे बहुत उतरते हैं इधर। और देख सकते हो प्लेन में अभी भी 20 बंदे अलाइव हैं, मतलब 20 बंदे तो ऑफलाइन नहीं आएंगे। तो देख सकते हो भाई कितने जम किए मेरे साथ। और मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, इधर दो टीम अप वाले बंदे उतरते हैं और एक रियल बंदा मतलब उतरता है। और भाई क्या ही, मतलब दो तीन कंपाउंड में चार बंदे उतर रहे हैं इधर, मतलब हॉट ड्रॉप भी कोई ऐसे नहीं करता ब्रो। और हॉट ड्रॉप पे तो दो तीन ही बंदे उतर रहे हैं अब तो। देखो भाई, मतलब इधर मैंने थोड़ा अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, क्योंकि भाई उधर जाऊंगा तो मैं ऐसे ही फोकट में मर जाऊंगा अगर मुझे गन नहीं मिला तो। तो मतलब चांस 50-50 होता है, तो इसमें क्यों चांस लेना। तो इसलिए मैंने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया और जो सिंगल बंदा था वो पीछे वाला कंपाउंड लूटता है और मैं ये आगे वाले कंपाउंड लूटता हूँ और मुझे आगे एक मतलब USB मिल जाता है। तो आराम से जोन रोटेट करता हूँ और इस मैच में मेरा 26 प्लस हो जाता है भाई, दो किल करके, वो भी दो किल बॉट को मारता हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा बंदे उतरते हैं ना भाई, मतलब सर्वाइव तो लास्ट में बहुत करते हैं, तो भाई इसलिए मतलब क्या ही प्लस होता है। इस मैच में मैं #2 पे आता हूँ और लास्ट बंदे को भाई ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया था, मतलब 0 HP तक हो गया उसका। तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन भाई सर्वाइव बहुत अच्छी तरीके से करता हूँ इस मैच में, देखना। और भाई क्या ही मतलब प्लस होता है भाई, देखो। और भाई Diamond 3 पहुँच चुका हूँ मैं अब, तो देखो इधर आते ही मुझे UG मिल गया और UG के साथ बहुत कुछ मिलता है। और इधर लूट के मैं आगे चला जाता हूँ और आगे एक व्हीकल होता है, फिर जोन रोटेट करता हूँ। और गाइस देखो, मतलब टॉप 10 में ज़रूर आने की कोशिश करना, किल्स हो या ना हो। क्योंकि देखो भाई, जब मैं एक मैच में भाई 6 किल किया और उसमें भाई 20 मिनट ही सर्वाइव कर पाया, तो उसमें भाई 20+ हुए। और एक मैच में भाई सिर्फ 2 ही किल्स, मतलब इस मैच में 2 ही किल्स किए और भाई 29 या 30 मिनट तक सर्वाइव किया, तब भाई 26+ हो गए। मतलब आपको चांस भी नहीं लेना है और पॉइंट भी मिल जाता है, तो ऐसे में और क्या चाहिए भाई। और फाइट जब लेते हैं तो जानते हो, अगर मर जाएंगे तो भाई माइनस हो जाता है। तो हमेशा भाई टॉप 10 में आने की कोशिश करना चाहिए, किल्स हो या ना हो भाई, क्योंकि किल्स आराम से मिल जाता है अगर मतलब लास्ट जोन में एक अच्छा पोजीशन होता है तो। और गाइस, वो जो सोलो बंदा मेरे पीछे उतरा था ना, वो देख सकते हो गाड़ी लेके आगे जा रहा है और मैं सोच रहा था कि इसको मार दूं, लेकिन भाई वो सडन उतर के भाई मेरे पे डैमेज दे देता है। देख सकते हो भाई, हेल्थ बहुत लो हो चुका है, तो इसलिए मैं उधर मतलब स्लैम नहीं करता और मैं सोचता हूँ कि भाई इधर थोड़ा हील कर लूँ और बूस्ट मार लूँ, फिर उसको फिर रश करते हैं। लेकिन जब मैं फिर से उस उधर जा रहा होता हूँ, वो गाड़ी लेके निकल लेता है और उसको मैं दौड़ाता हूँ भाई, लेकिन कहाँ चला जाता है पता नहीं, बहुत फास्ट। और मैं ऐसे दौड़ा रहा था भाई और एक बॉट मेरे पीछे से फायर करता है, तो मैं सोचता हूँ कि भाई इसको तो बाद में ही मार सकते हैं, पहले बॉट को मारते हैं भाई। इजी किल है ब्रो, फ्री किल बोलते। और गाइस, वो बंदा तो भाई चला गया गाड़ी लेके सवरनी की ओर से भाई चला गया, और उसको मैं दौड़ाने वाला था। और जैसे कि भाई ये बॉट साहब आ गए तो इनको हमें मारना पड़ा। और देखो इधर से जोन कट चुका है और भाई चलो जोन के अंदर फिर से चलते हैं। और गाइस देखो, मैं जब इधर आया ना तो सवरनी बिल्कुल अनलूटेड था, मतलब कुछ भी नहीं लूटा गया इधर से। तो मैं इधर भाई लूट लेता हूँ वो जितना हीलिंग सामान हो सके, क्योंकि जोन के बाहर भी रहना है, तो इसलिए मैं बहुत सामान इधर लूटता हूँ। मतलब समझ रहे हो भाई, जो छपरी घर में सब उतर रहे हैं और भाई ये सवरनी के जैसे प्लेस पे कोई नहीं आ रहा है, मतलब क्या ही कर सकते हैं भाई, ऐसा ही चल रहा है भाई, रैंक पुश बोलते हैं। ओके, और भाई ऐसे ही मैं लूट रहा था तो देखो और एक बॉट आता है, तो उसको मैं आराम से ठिकाने लगा देता हूँ। और अभी भी 44 लाइव है, तो देखो भाई और जोन पे चलते हैं हम। और गाइस देखो, मैं अभी रोजक तक आ चुका हूँ और आगे जो एक कंपाउंड है ना, उधर एक बंदा रहता है जो कि वो भी जोन के बाहर ही है, और मैं उधर फाइट नहीं लेता क्योंकि मुझे जोन पे जाना था और हीलिंग्स भी ज़्यादा नहीं है। तो देख सकते हो बंदा लेफ्ट में ही है भाई, और मैं उसके साथ फाइट नहीं लेता और आगे मैं चलता हूँ। और आगे और एक डासिया जा रहा होता है, तो मैं सोचता हूँ कि उसका भी तो हेल्थ लो होगा, तो इसको मैं दौड़ाता हूँ। लेकिन ऐसे ही भाई, जब रुकता हूँ ना और आगे भाई जोन के अंदर ही मैं रुकता हूँ इसको मारने के लिए,
और इसको एक बॉडी लगता है और ये भाई फटाफट बूस्ट मार के निकल लेता है। क्या ही कर सकते हैं। और गाइस देख सकते हो एक बॉडी शॉट लगा उसको, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। मुझे आगे जाना चाहिए था और आगे जो ऊपर हिल है उधर रुकना चाहिए था और उधर से मैं आराम से मार सकता था उसको, लेकिन मैं थोड़ा लोअर ग्राउंड पे उतर गया इसलिए नहीं मार पाया। तो देखो भाई वो बंदा तो चला गया और फिर हम भी जोन पे चलते हैं। और गाइस देखो इधर आके मैं इस सेक पे रुक जाता हूँ क्योंकि ये खाली था और एक डासिया आता है आगे से और इसको फिर एक बॉडी लगता है देखो। और भाई क्या ही मतलब FPS बहुत लो हो चुका है क्योंकि 3 घंटे से रिकॉर्ड कर रहा था ना भाई, तो ऐसे भी भाई रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा टाइम करने पे ऐसे FPS गिर जाता है, तो स्प्रे अच्छे से नहीं हो पाता और क्लोज रेंज थोड़ा हो जाता है लेकिन स्प्रे मारना बहुत मुश्किल है भाई ऐसे अगर FPS कम हो जाता है तो। और देख सकते हो जोन कितना छोटा हो चुका है और जोन मिल्टा पे है भाई और देख सकते हो 31 बंदे अभी भी अलाइव हैं और यहाँ पे बचना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि देखो ऐसे में तो भाई बहुत मोबाइल लैग करता है क्योंकि इतना ज़्यादा बंदे अलाइव होते हैं तो भाई क्या ही मोबाइल अब सह पाएगा अपना। मतलब ऐसे खेलने से कुछ नहीं होता भाई, तो खेलने से कोई कुछ लैग वैग कुछ नहीं होता, लेकिन जब रिकॉर्ड कर रहे होता हूँ भाई मतलब स्प्रे अच्छे से नहीं होता, कुछ भी अच्छे से नहीं होता, तो क्या ही कर सकते ऐसे में, तो सर्वाइव करना ही अच्छा होता है इस टाइम पे। और गाइस देख सकते हो अभी और 10 सेकंड बाकी हैं जोन आ रहा है अब, तो इसलिए अब मैं भी निकलता हूँ बूस्ट मार के और उधर आराम से एक कवर ढूंढ के उधर भाई सर्वाइव करेंगे हम, क्योंकि अभी भी देख सकते हो 29 बंदे अलाइव हैं और इस जोन में अगर हम अभी मर गए तो बहुत माइनस भी लग सकता है और प्लस भी ज़्यादा नहीं होगा, तो देखो आराम से इधर हम सर्वाइव करेंगे, ओपन में ही सर्वाइव कर सकते हैं भाई अगर गाड़ी का कवर हमने लगा दिया अच्छे से तो। और गाइस देख सकते हो अभी भी 27 बंदे अलाइव हैं, तो ऐसे में मतलब सर्वाइव कैसे करना है और कहां जाके कवर पे रुकना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखो अभी भी मतलब बंदे बहुत लड़ रहे हैं राइट में लेफ्ट में सब जगह हैं भाई, तो इसलिए मैं इधर आके मतलब देख सकते हो इस पत्थर पे रुक जाता हूँ, ये एक बहुत अच्छा कवर है भाई इधर आप रुक सकते हो। तो देखो भाई इधर मेरे पीछे से कोई नहीं आ रहा होता तो मैं आराम से इधर सर्वाइव करता हूँ। और देखो भाई अभी भी मतलब 26 बंदे अलाइव हैं, बहुत फाइट हो रहा है भाई और देख सकते हो। लेकिन भाई इधर क्या होता है बताए, मतलब 2 घंटे से रिकॉर्डिंग कर रहा था और ये एक अच्छा मैच निकला, तो देखो भाई इसको मैं फायर किया लेकिन क्या ही कर सकते भाई, देखो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता जब 1v1 होता है ना, तो ऐसे जब FPS गिर जाता है मतलब हीट होता है मोबाइल, तो मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आता कि भाई 1v1 में जीत पाए, तो ऐसे होता है और ये मैच भाई ऐसे हुआ भाई, तो क्या ही कर सकते हैं। तो इस मैच में मैंने सर्वाइव किया, देख सकते हो भाई कितने बंदे अभी भी अलाइव हैं और मैं इधर आराम से हूँ भाई, इधर कोई पीछे से नहीं आता। और गाइस देख सकते हो जोन अभी भी मेरे पे नहीं है और एक बंदा तो भाई देख सकते हो जोन के बाहर ही मर गया, तो ऐसे में ऐसा ही होता है भाई क्योंकि अभी देख सकते हो 21 बंदे अलाइव हैं इस छोटे से जोन में और मैंने उधर एक गाड़ी स्पॉट कर लिया भाई और उस बंदे को मैं बहुत मारता हूँ, 2-3 बॉडी लगते हैं जब वो उधर से निकलता है। और गाइस देख सकते हो जोन कितना छोटा हो चुका है और अभी भी 21 बंदे अलाइव हैं, मतलब अभी अगर हमने कंपाउंड पे रश किया ना तो मतलब मरना तो गारंटी है क्योंकि फाइट जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी मोबाइल बहुत हीट हो रहा था, नहीं होता भाई लेकिन मैंने अभी 3 घंटे लगातार खेला था इसलिए ऐसे लैग हुआ मेरा, तो देखो इस समय भाई क्या ही कर सकते हैं। तो हम ओपन में जाके कवर बनाएंगे, तो भाई इस मैच में मैंने ऐसा किया मतलब कंपाउंड पे अभी रश नहीं किया और आराम से भाई ओपन में गाड़ी का कवर लगा दिया क्योंकि हमारे पास डासिया है, तो देखो भाई वो बंदा अब उधर स्मोक करेगा निकलने के लिए और वो जब निकलता है तो मैं उसको थोड़ा मारता हूँ और भाई वो बंदे को 3 बॉडी लगी और मेरे पास एमओ भी ज़्यादा नहीं है वरना उसका गाड़ी पहले से ही फोड़ देता, तो क्या ही कर सकते हैं। और हम भी जोन निकलते हैं, जोन देख सकते हो आ गया है और अभी भी 19 बंदे अलाइव हैं, मतलब अब कंपाउंड जाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि मतलब फाइट ही नहीं ले सकता हमारा मोबाइल, हम तो ले सकते हैं लेकिन मोबाइल नहीं ले सकता, समझ रहे हो। और देखो भाई इधर ही मैं आके जोन पे रुक जाता हूँ और राइट से मैं एक स्मोक कर देता हूँ अब,
ताकि मुझे राइट से कवर मिल सके, और लेफ्ट में भी तो कोई नहीं है और आगे से तो गाड़ी ही है। और मैं भाई अभी डर लग रहा था क्योंकि भाई देखो अगर जो टावर है ना वो बड़ा वाला टावर अगर उधर कोई रह गया ना मतलब फुल बूम बाम पक्का है। और भाई बंदे बहुत सारे लड़ रहे हैं आपस में, देख सकते हो लेफ्ट में भी फायरिंग हो रहा है और राइट से भी फायरिंग हो रहा है, और अभी भी जोन ओपन में ही गिरा है तो अभी भी कंपाउंड में नहीं जाता, अभी भी मैं मतलब ओपन में गाड़ी का कवर बना के रुक जाता हूँ। और देखो भाई अभी भी 12 बंदे अलाइव हैं इस छोटे से जोन में, मतलब क्या ही बंदे हैं, मतलब किधर किधर होंगे पता नहीं। तो देखो मैं जोन जब आता है फिर निकलता हूँ और ओपन में रुक जाता हूँ, क्योंकि देखो ओपन में बहुत कम चांस होता है कि कोई बंदा हो सकता है करके, अगर होगा भी तो मतलब उधर तो फाइट ही लेना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं। और देखो अभी मैं जोन के अंदर जाऊंगा क्योंकि जोन अभी आने वाला है और 40 सेकंड बाकी है और अभी भी 12 बंदे अलाइव हैं, तो इधर मैं और थोड़ा सर्वाइव करता हूँ। और मेरे पे स्मोक ख़त्म हो चुका था और सिर्फ एक ही स्मोक था तो मैंने स्मोक नहीं किया और गाड़ी के पीछे चला आता हूँ। और गाइस देख सकते हो 9 बंदे अभी भी अलाइव हैं और जोन आ चुका है, तो मैं जोन के अंदर चलता हूँ देख सकते हो, और मतलब बहुत सारे बंदे अलाइव हैं और मेरे पे अब फायर आता है लेकिन मैं इधर रुकता नहीं हूँ देख सकते हो। और मैं थोड़ा जोन के अंदर किधर रुकूँ इधर सोच रहा था और मैं इधर इस पेड़ पे रुक जाता हूँ कवर बना के, और आगे एक जो कंपाउंड है उधर एक बंदा रहता है, और अभी भी भाई देख सकते हो एक बगी जाता है और इसको मैं क्या ही मारता हूँ लेकिन लगता नहीं भाई, मतलब फाइट लेने का मन ही नहीं करता जब ऐसे आप मारते हो और FPS लो हो जाए तो। और देख सकते हो भाई बहुत बंदे फाइट हो चुके हैं और जोन में अभी भी कोई कोई बंदा तो मर गए हैं, और देख सकते हो अभी 5 बंदे अलाइव हैं जिसमें से मैं एक हूँ, और आगे जो एक मतलब बगी से गया वो और एक जो कंपाउंड वाला होता है दोनों का फाइट हो जाता है और कंपाउंड वाला इस बगी वाले को मार देता है। तो देखो भाई इस कंपाउंड वाले को मैं सोच रहा था कि इसको चलो मारने चलते हैं, लेकिन फिर जोन उधर नहीं रहता तो मैं सोचता हूँ कि चलो जोन पे चलते हैं, ऐसे ही तो फाइट जितना मतलब इधर इस मैच में मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था फाइट लेना, तो देखो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ जोन के अंदर चले जाता हूँ। और जोन अभी भी ओपन में ही गिरा हुआ है और देखो 5 बंदे अभी भी अलाइव हैं, और राइट में जो बंदा है कंपाउंड में वो भी गाड़ी लेके निकलता है लेकिन जो जोन के अंदर एक बंदा रहता है वो उसको भी मार देता है और मेरे की भी मार देता है। मैं भाई बहुत लो करता हूँ उसको, 0 HP कर देता हूँ, और मैं इधर सोच रहा था कि भाई इसको रश कर दूँ लेकिन जोन इस पे नहीं था, तो मैं सोचा कि भाई चलो पहले जोन के अंदर चलते हैं मतलब चिकन डिनर का ट्राई करते हैं, इसको बाद में मार सकते हैं करके, तो मैं इधर से गाड़ी लेके फिर जोन पे चला जाता। तो गाइस देख सकते हो अभी 3 बंदे अलाइव हैं और ये राइट वाला बंदा अभी गाड़ी लेके निकल गया, और मैं इसका वेट कर रहा था कि ये कब निकले और मैं भी निकलूँ करके, वरना ये मुझे पीछे से मार देता। तो देखो इधर मैं आ जाता हूँ लेफ्ट से थोड़ा और इधर मैं आके रुक जाता हूँ, मतलब क्या ही कवर है मेरे पास और पीछे भी कोई बंदा नहीं है, और सिर्फ क्योंकि एक ही बंदा रहता है, देखो 2 बंदे अलाइव हैं लेकिन उधर फाइट हो जाता है और सिर्फ एक ही बंदा रहता है, तो मैं क्या ही करता हूँ देखो मतलब बहुत मारता हूँ भाई, मरता नहीं है, बैरल उसके पास होता है तो बैरल वर्सेस M416 इधर हो जाता है और वो मुझे आराम से मार देता है, और मैं भाई बहुत डैमेज देता हूँ, देखो भाई कैसे मारता है अब। मतलब और क्या मारूं भाई बोलो, कैसे मारूं और क्या मारूं क्यों मारूं, देखो अभी मैं #2 पे चला आता हूं और देख सकते हो भाई 2 ही बॉट मारे थे और इधर क्या ही प्लस हो जाता है मेरा। और अभी मैं ये Diamond 4 का गेम प्ले है देख सकते हो, और अभी मैं Diamond 3 पे हूं। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और भाई बुरा लगता है भाई तो सब्सक्राइब कर देना जो भी नए नए देख रहे हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।